दोस्तों, आपने ये मुहावरा तो जरूर सुना होगा, बंदर के हाथ में उस्तरा। लेकिन क्या हो अगर बंदर के हाथ में बम लग जाए? तो वो किसी आतंकवादी से कम नहीं होगा। बंदर का जहां मन आएगा वो वहां बम फोड़ेगा। ऐसी ये घटना यूपी के फतेहपुर में घटी। ना जाने कहां से किसी बंदर के हाथ में सूतली बम आ गए। उसके बाद उन्होंने ऐसी तबाही मचाई कि पुलिस बुलानी पड़ी। इस बम को बंदरों जहां तहां फेंकने लगे, जिससे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस का कहना है बंदरों को ये बम लवारिस प्लास्टिक बैग में मिला होगा। बैग में सूतली बम थे और बंदर बैग से खेलने लगे। उसी दौरान सूतली बम गिरने से धमाके होने लगे। इस हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायल अस्पताल में है। पुलिस अनुमान लगा रही है बंदरों को कूड़ेदान से सूतली बम मिला होगा और खेल खेल में उन्होंने बैग से फेंक दिया होगा। अधिकारियों ने बंदरों को जल्द से जल्द पकड़ने की बात कही है। साथ ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने घटना स्थल पर जाकर सैंपल भी लिए। इससे पता चल जाएगा कि बम किस टाइप के थे, कहीं कोई खतरनाक विस्फोटक तो नहीं था। आपको बता दें कि ये सूतली बम को दीवार बम भी कहा जाता है। ये दीवार से जमीन पर जोर से पटकने से पड़ता है। पुलिस की शुरुआती जांच में ये पता चला कि बंदर के हाथ ये बम लगा होगा। इस हादसे के दौरान हमले में घायल हुए गुलाब गुप्ता 60 साल के और उनका 5 साल का पोता सम्राट घर के पास स्कूल बस का इंतजार कर रहे थे। उसी वक्त बंदरों ने बम वाला बैग उनकी ओर फेंक दिया। इसके वजह से धमाका आसपास होने लगा। वही ये बात सामने आ रही है कि बैग में विस्फोटक की जगह सिर्फ गिट्टी हो सकती है और तेजी से गिरने की वजह से बम फट सकता है या उसकी जैसा आवाज आ सकता है। तो अगर ये न्यूज़ आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।